पर है जहां पर सहस्त्रताल ट्रैक हादसे को लेकर यह अपडेट आपको दे रही हैं। सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 ट्रैकर्स की मौत हो गई है। दूसरे दिन का रेस्क्यू हुआ और इस रेस्क्यू अभियान में 4 शवों को लाने के लिए रेस्क्यू लगातार अभी भी जारी है। हर्षिल से 2 हेलीकॉप्टर घटनास्थल के लिए रवाना। अभी घटनास्थल पर मौसम साफ है। नटीन हेलीपैड पर आवश्यक वाहन और स्टाफ तैनात किया गया। एनडीआरएफ के जवान मातली हेलीपैड पर तैनात है। सहस्त्रताल में लापता 22 ट्रैकर्स में 9 की मौत हो गई है। विनोद ग्रामीण मोहन राणा प्रधान प्रतिनिधि और ये आपको उत्तरकाशी में सहस्त्रताल हादसे को लेकर अपडेट दे रहे हैं, जहां पर सहस्त्रताल ट्रैक हादसा अपडेट आपको दे रही हैं, जिसमें 9 ट्रैकर्स की मौत हो चुकी है और बाकी के जो है उनको रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। दूसरे दिन का रेस्क्यू अभियान शुरू हो चुका है। हालांकि देखिए आज मौसम साफ है और इस वजह से रेस्क्यू करने में आसानी होगी। हर्षिल से 2 हेलीकॉप्टर घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी घटनास्थल पर मौसम साफ है और मौसम साफ होने की वजह से आसानी से रेस्क्यू हो सकता है। नटीन हेलीपैड पर आवश्यक वाहन तैनात किए गए। एनडीआरएफ के जवान मापी हेलीपैड पर तैनात हैं। इसके साथ ही सहस्त्रताल में 22 ट्रैकर्स लापता थे, जिनमें से 9 ट्रैकर्स की मौत हो चुकी है और बाकियों का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। उत्तरकाशी से ये खबर है जहां पर सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 ट्रैकर्स की मौत हो चुकी है। बाकी का रेस्क्यू अब दूसरे दिन का जो रेस्क्यू अभियान है वो शुरू हो चुका है और आज 4 शवों को लाने के लिए रेस्क्यू जारी है। 29 तारीख को सहस्त्रताल कोस कल्याण ट्रैक के लिए यहाँ से 22 सदस्य दल रवाना हुआ, जिसमें कि उक्त दल सहस्त्रताल 2-3 तारीख को दर्शन करके लौट रहा था। अचानक मौसम खराब होने से और तूफान हवाएं चलने से और ओलावृष्टि होने से वहाँ पे जो कुछ लोग उस ओलावृष्टि की वजह से वहाँ पे फंस गए थे और जिनके वो 3 तारीख को वहाँ पर मृत्यु हो गई। और नेटवर्क न होने के कारण जो गाइड थे साथ में, उन्होंने वहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर आने पर शासन प्रशासन को सूचना दी, जिसके लिए शासन प्रशासन अलर्ट हुआ और रेस्क्यू टीम यहां पर भेजी गई। बस 29 तारीख को ग्राम पंचायत शिला से सहस्त्रताल ट्रैक रवाना हुई थी, जिसमें कि 22 दलों की टीम रवाना हुई थी, जिसमें जिन्होंने कि 7 तारीख को मनेरी में वापस होना था, जो कि अचानक मौसम खराब होने के कारण 3 तारीख शाम के समय लगभग 2 बजे ओलावृष्टि और तूफान होने के कारण 4 सदस्यों की मृत्यु हुई है। ओके थैंक यू। ये देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैकर्स 22 ट्रैकर्स जो हैं वो यहां पर फंसे थे, जिसमें से 9 ट्रैकर्स की मौत हो चुकी है। जिनका किया गया है रेस्क्यू यहां पर। इसके साथ ही जो बाकी 4 शव हैं उनका रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 ट्रैकर्स की मौत, ये बड़ा हादसा माना जा सकता है। जो ट्रैकिंग के लिए पहुंचे थे उनको देखते हुए लगातार जो है रेस्क्यू अभियान जारी। और आज उत्तरकाशी की बात करें तो वहां पर मौसम जो है वो साफ है, तो इसमें मदद मिलेगी रेस्क्यू अभियान को अच्छे से सफल बनाने के लिए। एनडीआरएफ के जवान भी लगातार तैनात हैं, क्योंकि सभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं कि जो बाकी के लोग हैं उन्हें बचाया जा सके या फिर उनका रेस्क्यू जल्द से जल्द किया जा सके। दूसरे दिन का रेस्क्यू अभियान शुरू हो चुका है और इस रेस्क्यू अभियान को देखते हुए लगातार जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन निकालने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। देखिए 9 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 4 लोगों के शव जो है वो रेस्क्यू करके निकाले जाएंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, क्योंकि देखिए उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में ये बड़ा हादसा हुआ जिसको लेकर अपडेट भी अब सामने आ गई है, आज के रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट?
जी मैं बता दूंगा दीपिका, इस समय जो है जो ससताल की बड़ी घटना हुई थी, जो 22 सदस्यों का जो ट्रैक था उसमें से 13 लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित निकाल दिया गया है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, और उनको जो है यहाँ से उत्तरकाशी से बाद जो है उनको अपने घर के लिए भेज दिया गया है। उसी तरह से जो 4 लोगों की डेड बॉडी कल प्राप्त हुई थी उनको भी जो है उत्तरकाशी जिला अस्पताल लाया गया है और वहाँ पे जो है उन लोगों का जो है पंचनामा किया जा रहा है। मगर अभी जो माफी चाहते 5 लोगों का पंचनामा किया जा रहा है, 4 लोग अभी भी मिसिंग थे, मगर जो स्थानीय वहाँ के जो लोग हैं जो खच्चर वाले, जब हमने उनसे जानकारी जुटाई तो उनका कहना है कि 4 लोग भी वहाँ पे डेथ है। भले अभी प्रशासनिक तौर पर उसके कोई पुष्टि नहीं हो पाए कि 4 लोग और है, मगर जो जो आंकड़ा निकल के आ रहा है उसमें से 9 लोग हैं जिनकी जो है वहां पे जो है मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि मौत होने का जो कारण हमने पता किया तो उसमें ये बताया जा रहा है कि वहां पे जो है बहुत ज्यादा जो है ओले गिरे थे और ओले के कारण जो है रात को वो लोग जो है जो मॉन्सराइज बन गया था वहां पे जो बादल थे, बादलों के कारण जो है वो रास्ता भटक गए थे और उसके बाद जो है वो आपस में नहीं मिल पाए। तो जो और लोग थे वो लोग जो है ठंड के कारण जो है वहां पे जो हाइट का जो एरिया है ठंड के कारण जो है वो लोग जो मर गए। तो टोटल मरने वालों की संख्या जो अभी बताई जा रही है वो 9 है। भले प्रशासनिक आंकड़ों में जो 5 है जो डेड बॉडी रिकवर कर चुकी है, मगर अभी जो है 4 लोग जो मिसिंग थे उसके लिए जो आज सुबह जो है हरसिल से 2 चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के जो है रेस्क्यू के लिए भेज दिए गए हैं और अब कुछ ही घंटों बाद जो है उनको वहां से रेस्क्यू करके जो है जो 5 बॉडियां और वहां पे है उनको जो है वापस लाया जाएगा। भले जिला प्रशासन ये कहता है कि अभी वो मिसिंग है, उनकी बॉडी अभी वो डेथ नहीं है, मगर जो अभी हमारे सूत्रों से पता लगा है कि वो लोग जो है 4 लोग और जो है वो पूरी तरह से वहां पे डेथ है, अब उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। भले पुलिस प्रशासन जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ आईटीपी पूरे जवानों को जो है पैदल रास्ते से भी भेजा गया था, मगर वो बहुत लंबा सफर है। अगर हम बता दें कि वहां पे कम से कम जो है 4000 की फीट में पड़ता है, तो यहां से 30-40 किलोमीटर के आसपास जो है बेस कैंप था, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मगर अब जो है ये हेलीकॉप्टर जो चेतक हेलीकॉप्टर है उन्हीं के माध्यम से जो उनको जो है रेस्क्यू किया जाएगा। जी साथ ही महावीर, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, जानना चाहेंगे कि जो एनडीआरएफ की टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो किस तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल एनडीआरएफ एसडीआरएफ सभी को इसमें लगाया गया था, मगर इससे सबसे ज्यादा जो अभी काम कर रही है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां तक पहुंचा जा रहा है और वहां से जो है रस्ते के थ्रू, क्योंकि वहां पे तो हेलीपैड तो है कि वहां पे पहुंचा जा रहा है और वहां से जो है रस्सी के थ्रू, क्योंकि वहां पे उतारा जा रहा है, मगर रस्सी के थ्रू उतारा जा रहा है और रस्सी के थ्रू उन बॉडियों को जो है रिकवर किया जा रहा है। अभी मैं बता दूं इसमें जो है एनआईएम की भी टीम लगाई, जो एक्सपर्ट एनआईएम के लोग हैं उनको भी वहां पे जोड़ा गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और स्थानीय जो पुलिस है और पुलिस के साथ साथ वन विभाग का क्षेत्र पड़ता है, तो वहां पे जो है रास्ता बहुत ही डेंजर है, तो उसे रास्ता दिखाने के लिए जंगलात का इसमें सहारा लिया गया है। वो स्थानीय लोग जो यहाँ पे सिल्ला के रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस रेस्क्यू में सहयोग किया है और उसके बाद वो रेस्क्यू करके जो है और जो लोग उन्होंने रेस्क्यू करके वापस लाए हैं, जो 2 लोग और रास्ते में थे वो पैदल आए हैं, बाकी सभी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो 13 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया गया था, उसमें से 8 लोग कल ही जो है देहरादून के लिए रवाना किए गए थे और बाकी लोग अभी यही है, क्योंकि जो डेड बॉडी है उनका पंचनामा होना है तो उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, जैसे उनके परिवार के लोग पहुंचेंगे उसके नाम जिला अस्पताल में उनका पंचनामा होगा। और जो अभी 4 जो मिसिंग लोग हैं जो उनको बताया जा रहा है कि उनकी डेड बॉडी है वहां से जो है रेस्क्यू की जा रही है, कुछ घंटे बाद अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 2 राउंड जो है जो चेतक हेलीकॉप्टर उसने 2 राउंड मार दिए हैं, तो निश्चित तौर पर अभी तो जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर ये लग रहा है कि कुछ बॉडियां जो रिकवर हो गई है। और यहाँ पे जो मैं बता दूं जो 108 की टीम भी जो है उसको जो हेलीपैड हमारा नटिंड में है वहां पे जो है 108 और हॉस्पिटल डॉक्टरों की टीम भी बिठाई गई है और बाकी एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है मातली में जो है ये इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो लोग आएंगे तो उनको जो है रेस्क्यू करके आगे पहुंचाया जाएगा। जी महावीर, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे वहां पर मौके पर, क्योंकि बड़ा हादसा ये है। जी प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे वहां पर। बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी, मैंने कहा है कि जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद तुरंत जो है जिलाधिकारी महोदय जो है इसने एक्शन मोड पे बैठे थे, एक्शन मोड में थे और उन्होंने जो है एसपी उत्तरकाशी के उन दोनों ने जो है यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग बिठाई थी, उसके बाद आपदा प्रबंधन जो कंट्रोल रूम है वहां पे खुद बैठे हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। भले यहाँ पे तहसीलदार जो भटवाड़ी तहसीलदार है उनको जो है वहां पे जो हेलीपैड है वहां पे बैठाया गया है, तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई थी, क्योंकि ये जो लोग थे वो बाहर के लोग हैं, जो कर्नाटक के 18 लोग थे और एक महाराष्ट्र का जो था, तो ये बहुत बड़ी घटना थी। रेस्क्यू पूरी तरह से तैयारी में रहा और मगर बीच में कल जब मौसम खराब हो गया था उसके बाद रेस्क्यू को रोकना पड़ा, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद उस एरिया में जाया नहीं जाता है, जो हेलीकॉप्टर है वो उस तरह से वहां पे जो है लैंडिंग ये जो है उस जगह जाना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए जो है कल उन्होंने रोक दिया था। मगर आज सुबह से दोबारा से जो है 2 हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो है वो रेस्क्यू किया गया, इसमें जो है चेतक के 2 आर्मी के हेलीकॉप्टर है और एक प्राइवेट जेट प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी दिया गया था, उसके साथ जो है एक एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर इसमें लगाया था, तो कम से कम इसमें जो है
30-40-45 लोगों की जो एक टीम बनाई गई थी, इसका जो रेस्क्यू किया था दोनों तरफ से किया था, क्योंकि ये उत्तरकाशी और टिहरी के बॉर्डर में पड़ता है जो वाला एरिया है, और टिहरी उत्तरकाशी में पड़ता है, तो कुछ लोगों को टिहरी के लिए भी भेज दिया गया था, तो टिहरी से भी गए थे और कुछ लोग यहाँ से भी गए थे, तो यहाँ के जो लोग थे जो सुरक्षित है उनको जो है अब वापस पूछा गया, वहां पे अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुरक्षित नहीं, सब लोग वापस आ चुके हैं सारे के सारे। मगर जो चार जो मौसम है वो खराब हो गया था, तो जो रेस्क्यू है वो बीच में रोकना पड़ा। अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर अलर्ट दिया गया है, क्या कुछ चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है? बिल्कुल, आज जो मौसम है धूप की उस क्षेत्र में जो अपडेट मांगी थी आपका प्रबंधन से, उसे ये जानकारी मिली थी कि आज मौसम पूरी तरह से क्लीन है और जो रेस्क्यू है ये सफल हो जाएगा। जो आर्मी के जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो संभावना है दिन 12-1 बजे तक, संभावना है कि 12-1 बजे तक वो जो चार लोग मिसिंग थे उन लोगों को जो है रेस्क्यू किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए महावीर।